देखो, जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था चैट जीटीपी के ऊपर, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा था क्या एक्सेल वर्ड जैसे सॉफ्टवेयर्स के अंदर भी हम चैट जीटीपी का यूज़ करके बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको चैट जीटीपी और प्लस एक्सेल के साथ में कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिनसे आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। तो दो चीज़ें आपको ज़रूरी है, एक तो आपके पास एक्सेल होना चाहिए और दूसरा आपके पास चैट जीटीपी का अकाउंट होना चाहिए। अब कैसे बनाना है वो बहुत इजी है, पिछला वीडियो देख लेना, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे उसका थंबनेल दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख लेना। फिलहाल के लिए एक्सेल में क्या क्या कर सकते हैं आप चैट जीटीपी से, बहुत सारी चीज़ों को कैसे सरल बना सकते हैं, चलिए हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अभी एक्सेल ओपन है और दूसरे ब्राउज़र में मैंने यहाँ पे चैट जीटीपी को ओपन कर रखा है। अब क्या क्या हम इससे पूछ सकते हैं, तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं हिंदी में लिखने वाला हूँ, आप इंग्लिश का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप बहुत सारी भारतीय भाषाओं में भी इस चैट बॉट के साथ में बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इससे सम करा के देखेंगे। मान लीजिए हमें सेल A1 का सेल A10 के साथ में सम करना है, तब क्या फार्मूला लिखा जाएगा। सो यहाँ पे मैं फार्मूला हिंदी में टाइप करने वाला हूँ, मुझे सेल A1 का सम सेल A10 के साथ करना है, क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है, अभी मैंने ये लिखा, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं मुझे सेल A1 से सम करना है। ठीक है, सम यानी जोड़ना है। यहाँ पे या तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे या फिर आप एंटर करेंगे, तो अभी आपको आंसर करेगा कि अगर आपको सेल A1 से लेके सेल A10 के साथ सम करना है तो फॉर्मूला क्या होगा। ये बेसिक है, धीरे धीरे अभी हम एडवांस करते जाएंगे और आप देखेंगे कि एक्सेल में आप कितने सारी चीज़ों को यूज कर सकते हैं इस चैट बॉट की सहायता से। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आपको कैसे फॉर्मूला लिखना है, तो देखो यहाँ पे इसने झट से मुझे एक फॉर्मूला लिख के दे दिया है कि इक्वल टू सम ब्रैकेट में A1 सेमीकोलन एंड A10 और ब्रैकेट बंद। अब देखो पूरा उसको नीचे डिस्क्राइब भी कर रहा है कि ये फार्मूला आपको कैसे कैसे लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इस फार्मूले को कॉपी कर लूँगा टेस्ट करने के लिए। सेल A1 से लेके A10 तक मैं कोई भी फिगर यहाँ पे डाल दूँगा, तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक फिगर डाल दी है इस तरह से। अब किसी भी सेल में जाके, क्योंकि फार्मूला है उसमें A1 से लेके A10 तो डला ही है, किसी भी सेल में जाके वो फार्मूला मैं पेस्ट कर दूँगा और एंटर कर दूँगा। तो यहाँ पे आप देखोगे फार्मूला प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये तो हो गया सिंपल सम करने का। अभी हमको यहाँ पे इससे थोड़ा सा कठिन सवाल पूछने हैं। सम तो ये कर सकता है, तो कठिन सवाल में क्या आता है, आप कैसे पता लगाएंगे कि इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, कैसे पता लगाएंगे। सो हम इससे सीधे सीधे पूछेंगे, क्या आपको पता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप में से कोई 5 लाख ही लोग अपना 7,500 रुपये का फ़ायदा कर सकते हो हमारे सारे प्रीमियम पेनड्राइव कोर्सेज पर। चलिए जल्दी से समझा देता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, यहाँ पर आपको ज्वाइन पेनड्राइव कोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे आप पहुंच जाएंगे हमारी ऑफलाइन पेनड्राइव कोर्स की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको एक पेनड्राइव कोर्स दिखाई देगा, A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स। इस कोर्स में पूरे 19 प्रोफेशनल कोर्सेज शामिल हैं जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलने वाले हैं, जिसके साथ आपको हमारा खूबसूरत सा ये एक्सेल मग, हमारा प्रीमियम माउस पैड जिस पर भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज आपको प्रिंट करके मिलेंगे, एक फ्री OTG और हमारा जो पेन ड्राइव है वो मिलेगा, जो कि आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलता है, जिस पर आपको कभी भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी हमारे कोर्सेज को देखने के लिए। ये पेन ड्राइव 4 डिवाइसेस पे काम कर सकता है, आपके PC पर, आपके मोबाइल फोन पर, टैब पर और आपके एंड्रॉयड स्मार्ट TV पर। अब यहाँ पर इस समय अगर इस कोर्स को आप बाय करते हैं तो यहाँ पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, जिससे ये कोर्स आपको लगभग 4,000 रुपये का पड़ेगा। लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप में से 5 लोगों को ये कोर्स केवल और केवल 2,500 रुपये में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको कूपन कोड यूज़ करना है 99PC22 और इसको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ये कोर्स आपको केवल 2499 यानी 2500 रुपये का मिलेगा। तो जो भी 5 लोग पहले ये कूपन कोड यूज़ करेंगे उनको इस कूपन कोड का फ़ायदा मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा मुझे एक्सेल की लिस्ट में से सबसे बड़ी संख्या पता करनी है, क्या फॉर्मूला होगा। फिर से मैं एंटर करता हूँ, अब ये मुझे क्या बताता है, कैसे निकालूंगा मैं सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा देखना है हमको।
अब देखो यहाँ पे इसने एक चीज़ की है कि जैसे मैंने इससे अगर हिंदी में पूछा है तो इसने हिंदी में यहाँ पे फॉर्मूले में कुछ चीज़ें डाल दी हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती हैं। यहाँ पे इक्वल टू मैक्स लिखा है, ब्रैकेट में लिस्ट लिखा है। अब लिस्ट में जो रेंज है आपकी वो आपको देनी है, जैसे यहाँ A1 से लेके A10। सो मैं पहले ये फॉर्मूला कॉपी करूँगा और फिर मैं कुछ चेंज करके आपको दिखाता हूँ, यही लिस्ट है। तो यहाँ पे जब आप ये लिस्ट लिखेंगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, लिस्ट की जगह आपको ये रेंज चेंज करनी है और एंटर करना है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या है वो आपको यहाँ पे दिख गई है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और हमको करनी है। मान लीजिए हमारे पास कुछ विद्यार्थी हैं और उनका हमको क्या निकालना है, ग्रेड के हिसाब से प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले तो हम ये पता करते हैं एक्सेल में प्रतिशत कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का। तो जाते हैं दोबारा से इसी पे, मुझे एक्सेल में प्रतिशत निकालना है, क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब प्रतिशत निकालने का क्या फॉर्मूला होगा ये हमें बताने वाला है। तो यहाँ पे इसने हमको पूरे हिंदी में फॉर्मूला लिख के दिया है, इसके नीचे यहाँ पे इसने हमको उदाहरण भी दिया है और बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पे हमें लिख के दे रहा है, अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। फिलहाल के लिए मैं ये जो फॉर्मूला इसने बीच में लिख दिया है इसको कॉपी कर लेता हूँ और एक्सेल में चला जाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे जब ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो इसमें लिखा आएगा A1/A2 × 100। अब ये दो संख्याओं का प्रतिशत यहाँ पे निकाल के दिखाएगा, तो अभी यहाँ पे आ रहा है 50%, यानी जो पहली संख्या है वो दूसरी का 50% है। यानी अगर मैं यहाँ पे 100 लिख दूँगा और यहाँ पे लिख देता हूँ 75, तो ये इसका 75% है। और अगर मैं 200 लिख दूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे प्रतिशत अपने आप बदल जाएगा, 37% हो जाएगा। तो हम 200 का प्रतिशत निकाल रहे हैं और इस तरह से ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखना है। यानी आपको पहली जो संख्या है वो यहाँ डालनी है और जिससे निकालना है वो A2 में लिख देना है और × 100 कर देना है। तो इस तरह से ये प्रतिशत आपको निकाल के दे देगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमको यहाँ पे ChatGPT से इफ़ फार्मूला लिखवाना है, जो बहुत लोगों के लिए बड़ा टफ होता है। मान लीजिए बहुत सारे विद्यार्थी हैं, उनको अलग अलग ग्रेड देने हैं, उसके लिए इफ़ फार्मूला लिखना है। सो यहाँ पे दोबारा से हम इस पे जाएंगे, तो हम जाएंगे सर्च बार में और यहाँ पे अपना प्रश्न पेस्ट कर देंगे। MS Excel में मुझे विद्यार्थियों का अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से ग्रेड देना है, फार्मूला कैसे लिखा जाएगा, एंड देन एंटर करेंगे। अच्छा, थोड़ा सोचने में समय लेता है अगर आपने हिंदी में कुछ लिखा है, और बड़ा अच्छे से आंसर देता है, और मुझे लगता है धीरे धीरे ये और एडवांस होता जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो कि इसने इस इफ़ फार्मूला लिख दिया है और बहुत सारे ग्रेड लिखे हैं। यहाँ पे ग्रेड मुझे A+ दिख रहा है, फिर A दिखाई दे रहा है, फिर B दिखाई दे रहा है, इसके बाद में C, D और F भी दिखाई दे रहा है। फार्मूला आ गया है, बाकी सारी चीज़ें वो हिंदी में लिख के दे रहा है आपको। ये हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और चले जाते हैं एक्सेल पे। अब देखो यहाँ पे पहले हम फार्मूला पेस्ट करेंगे, इसके बाद देख लेंगे कि ये किस सेल के लिए। तो ये A1 सेल के लिए है। तो जब भी आप टेबल बनाएंगे इस तरह की जहाँ पे विद्यार्थियों का लास्ट वाला प्रतिशत निकल के आ जाएगा, वो उस सेल के लिए ये फार्मूला आपको लगाना है। मतलब A1 से आपको वो सेल बदल देना है जिसमें परसेंटेज हो, एंटर कर देना है। अब मैं ये सारी संख्याओं को हटा देता हूँ। अब मान लीजिए ये वो प्रतिशत वाला सेल है जो विद्यार्थियों के लिए दिया गया है। अब यहाँ पर जैसे 75 नंबर आए तो यहाँ पर B लिखा आ गया। अब ये नंबर अगर 90 होते तो आ जाता प्लस, अगर ये नंबर 90 होते तो यहाँ पे A+ आ जाता, एंड अगर ये होते 89 तो यहाँ पे A ग्रेड आ जाता, और अगर ये होते 25 तो यहाँ पे F यानी फेल आ जाता। पूरा फार्मूला आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर आपको कोई भी ग्रेड बदलना है, हिंदी में इंग्लिश में बदलना है, तो आप यहाँ से इस फार्मूले को कॉपी कर सकते हैं। और एक्सेल की ये जो सारी चीज़ें जो अभी ट्रिक हम बता रहे हैं ChatGPT से, इनको आप बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट्स करके बताना कि कौन सा फार्मूला आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है। सो इस वीडियो में हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी हैं ChatGPT से, कैसे आप एक्सेल के अंदर बहुत सारे फार्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कौन सा फार्मूला बनाना चाहेंगे ChatGPT की मदद से हमें ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।